हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको सिंपल ब्लाउज की कटिंग करने का बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी। आप मेरी वीडियो को पूरा देखिए। ये नाप मैंने इसके फ्रंट पर दिया हुआ है और इसके अकॉर्डिंग मैं इसकी कटिंग करूंगी। कटिंग करने के लिए मैंने कपड़ा लिया है, इसको डबल फोल्ड में लिया है। अब मैं इसका नाप लेना स्टार्ट करूँगी। नाप लेने के लिए मैंने यहाँ पर आधा इंच कपड़े पर आधा इंच जगह छोड़ी है और इस पर एक निशान लगा दिया है। देखिए, आधा इंच जगह छोड़ते हुए मैंने इस पर निशान लगाया है। यहाँ पर मैं तीरा ज्वाइंट करूँगी और यहाँ तीरा 1.5 इंच का लगाऊंगी, तो मेरे पास यहाँ तक 1.5 इंच तक तीरा आ जाएगा। यहाँ से स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक मेरे पास 1.5 इंच का तीरा आएगा और मैं यहाँ से इसकी लंबाई नापना स्टार्ट करूँगी। 1 इंच से लेके यहाँ 1.5 इंच है और 1.5 इंच से लेके यहाँ पर 13 इंच। तो यहाँ स्टार्टिंग से लेके मेरे पास इसकी लंबाई 13 इंच हो गई है और आधा इंच एक्स्ट्रा मैंने सिलाई के लिए लिया है। और मैं यहाँ से ये मेरे पास 12.5 इंच आया है, मैं इसकी यहाँ पर 12.5 इंच पर निशान लगा दूँगी। यहाँ पर 12.5 इंच पर मैंने एक निशान लगा दिया है। देखिए, इस तरीके से मैं एक लाइन डाल दूँगी और इस लाइन पर मैं शोल्डर लूँगी, तो शोल्डर लूँगी मैं इस पर 5 इंच पर। तो 5 इंच पर मैं एक निशान लगा दूँगी और यहाँ पर लूँगी मैं शोल्डर के लिए एक 3 इंच पर निशान लगाऊँगी। तो यहाँ से लेके मैं एक 3 इंच पर निशान लगा दिया है और इधर बाकी जो 2 इंच बचेगा वो मेरे पास गले के लिए रहेगा। और यहाँ पर लूँगी मैं इसको 5.5 इंच, 5.5 इंच पर मैं इस तरीके से एक लाइन डाल दूँगी। अब इस लाइन को इस तरीके से सीधा मिला दूंगी। अब इस लाइन के मैं आधा इंच अंदर की तरफ एक और लाइन डालूंगी। इस तरीके से आधा इंच अंदर की तरफ मैं एक लाइन डालूंगी। अब मैं इसको इस लाइन को भी इस तरीके से आगे की तरफ एक लाइन डाल दूंगी और यहाँ पर मैं गला रखूंगी। गला रखूंगी मैं 6 इंच, तो 6 इंच पे निशान लगा दिया है। अब मैं यहाँ पर गोल शेप दे दूंगी, इस तरीके से गोल शेप दूंगी। अब मैं सीने का नाप लगाऊंगी, तो सीने का नाप है 32 इंच, तो यहाँ पर मैंने एक निशान लगा दिया है, ये ऊप और आई में चला जाएगा। तो यहाँ से मैं सीने का 32 का 4 पार्ट करूँगी, तो 8 इंच, 8 इंच पर मैं इस तरीके से निशान लगा दूँगी और यहाँ पर 1.5 इंच मार्जिन के लिए अब मैं इस पर लाइन डाल दूंगी। ये मेरे पास फिटिंग वाली लाइन रहेगी और इधर एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए अब मैं यहाँ पर इस तरीके से घूम दे दूंगी। ये मेरे पास 1.5 इंच की घूम रहेगी। देखिए, इस तरीके से ये 1.5 इंच की घूम रहेगी और इस तरीके से मैं यहाँ पर घूम दे दूंगी और यहाँ पर मैं इसकी प्लेट्स के निशान लगाऊंगी। यहाँ पर मैं एक लाइन डाल देती हूँ हुक और आई के लिए, यहाँ पर हुक और आई में चला जाएगा और यहाँ पर मैं इसको 3 इंच पे रख के प्लेट्स के निशान लगाऊंगी। वो इधर से लूँगी मैं 2 इंच, 2 इंच ऊपर की तरफ लिया है। अब मैं यहाँ पर दोनों तरफ इसके लाइन डाल दूँगी। इस तरीके से मैं इस पर प्लेट्स लगाऊंगी। अब मैं इस प्लेट से 1.5 इंच इधर की तरफ लूँगी और 1.5 इंच उधर की तरफ, दोनों इंच तरफ में 1.5 इंच लूँगी और नीचे से मैं इसको 3 इंच लूँगी। तो एक 3 इंच पे निशान लगा देती हूँ, दोनों प्लेट्स में 3 इंच ऊपर की तरफ लूँगी। अब मैं यहाँ से मैंने 3 इंच पे निशान लगा दिया है। अब मैं 1.5 इंच इस प्लेट के इधर लूँगी, 1.5 इंच इधर और 1.5 इंच ही उधर की तरफ, दोनों तरफ मैं 1.5 इंच लूँगी और यहाँ से मैं 2 इंच इसको लूँगी। अब प्लेट्स को इधर की ला दूँगी। यहाँ पर मैं इसको 1 इंच नीचे की तरफ मिलाऊंगी। इस तरीके से मैं इनको इस तरीके से मिला दूंगी। चारों प्लेट्स को इस तरीके से निशान लगा दूंगी क्योंकि सिलाई करने में आसानी रहेगी। अब मैं यहाँ पर तीरे का जो लगाऊंगी, तो इस प्लेट्स से तीरा इस तरीके से बनाऊंगी मैं, इस तरीके से तीरे का शेप रहेगा। तो यहाँ से मैं 1 इंच ऊपर की तरफ लेते हुए तीरे का निशान लगाऊंगी। अब मैं इसको कटिंग कर दूंगी। इस तरीके से मैं इसके निशान निशान पर इसकी कटिंग करूंगी।
अब मैं पीछे वाले पार्ट की कटिंग करूँगी। तो पीछे वाले पार्ट की कटिंग करने के लिए मैंने आगे वाले फ्रंट को पीछे के फ्रंट के ऊपर रखा है। इस तरीके से मैं दोनों कपड़े को जमा दूँगी। वो इधर की तरफ मैंने जो उकाई के लिए जो जगह रखी है, ये एक्स्ट्रा रखी है। देखिए इस तरीके से एक्स्ट्रा उकाई के लिए जगह रखी है। वो इधर मैंने पीछे वाले पार्ट का बंद वाला भाग लिया है। वो मैं इसकी लंबाई रखी है मैंने यहाँ पर 13 इंच, और आधा इंच मैंने यहाँ पर नीचे सिलाई के लिए रखा है। यहाँ पर मैं अंदर से नीचे दूसरी पट्टी लगाते हुए इसको फोल्ड करूँगी। यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा पट्टी लगाऊँगी। अब मैं यहाँ पर इसका गला रखूँगी और इसके बराबर से कटिंग करूँगी। ये मेरे पास आस्तीन का पार्ट रहेगा। इस तरीके से मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से एक्स्ट्रा लूँगी, क्योंकि पीछे वाला पार्ट तो ज़्यादा लेना रहता है। तो मैं इस तरीके से मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा लिया है। अब मैं इसकी बाकी सेम कटिंग सेम करूँगी और इसका गला इधर की तरफ रखूँगी। तो गला मैं बड़ा रखूँगी, तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक निशान लगा दूँगी। आप गला कितना भी बड़ा ले सकते हो और कोई सी डिजाइन बना सकते हो। और मैं यहाँ पर इसका गला सिंपल और 8 इंच रखूँगी। तो यहाँ पर मैं इसको एक लाइन डाल दूँगी 8 इंच पर, और इस तरीके से घूम दे दूँगी। अब मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। इस तरीके से मैं इसके गले की कटिंग करूँगी और बाकी कटिंग में इसकी सेम कर दूँगी। और यहाँ पर आस्तीन का भाग मैंने हल्का सा बढ़ता हुआ रखा था, और इस तरीके से गला और आस्तीन का भाग और बाकी कटिंग में इसकी इधर फिटिंग वाली लाइन पर कर दूँगी। इस तरीके से मैं पीछे वाले फ्रंट की कटिंग करूँगी। अब मैं यहाँ पे इसकी बाजू की लंबाई नाप लूँगी। इसकी लंबाई नापने के लिए मैंने दोनों फ्रंटों को इस तरीके से बराबर से जमा दिया है। देखिए इस तरीके से मैं इसकी कटिंग करूँगी, और दोनों दोनों को मैंने इस तरीके से जमा दिया है। अब इसका नाप लेना यहाँ से स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पर है मेरे पास 8 इंच, और यहाँ से पीछे वाले पार्ट आया है, तो यहाँ पर दोनों मिला के 15.5 इंच। तो मैं यहाँ पर 15 इंच पर इसकी बाजू की कटिंग करूँगी। अब मैंने आस्तीन के लिए कपड़ा लिया है, इसको 4 फोल्ड कर दिया है। मैं यहाँ पर छोटी आस्तीन रखूँगी। इस तरीके से मैं यहाँ पर 4 फोल्ड कपड़ा लिया है। अब इसकी लंबाई है यहाँ पर 5 इंच। अब मैं यहाँ पर इसका नाप लूँगी। तो मैं यहाँ पर ये जो लाइन डाली है इसको मैं फोल्ड कर दूँगी, और यहाँ से मैं 3.5 इंच की आस्तीन रखूँगी। ये मेरा आस्तीन 3.5 इंच की रहेगी, और आधा इंच सिलाई के लिए जाएगा। तो 3.5 इंच की आस्तीन रहेगी, और यहाँ पर मैं इसको लूँगी 2 इंच। यहाँ पर 2 इंच लिया है, और यहाँ से मैं इसको रखूँगी 7.5 इंच पर। 15 इंच मेरे को ये बाजू की घूम लेनी है, तो 7.5 इंच पर रखकर इस तरीके से मैं घूम दे दूँगी। अब मैं इसको इस लाइन को इधर की तरफ मिला दूँगी, और इधर मार्जिन के लिए लाइन रखूँगी। अब मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। इस तरीके से मैं यहाँ पर लाइन डालते हुए अब इसकी कटिंग करूँगी। इस तरीके से मैं आस्तीन की कटिंग कर दूँगी। अब मैं तीरे की कटिंग करूँगी। तीरे की कटिंग करने के लिए मैंने डबल कपड़ा लिया है, और 2 इंच जगह ली है। 2 इंच पे मैं एक निशान लगा दूँगी। अब मैं तीरे को इस तरीके से इस कपड़े के ऊपर रख दूँगी। अब मैं यहाँ पर तीरे के शेप में इसकी कटिंग कर दूँगी। आगे वाला जो फ्रंट था उसी के शेप में मैं इसकी निशान लगा दूँगी। अब मैं निशान निशान पर इसकी कटिंग करूँगी। इस तरीके से निशान निशान इसकी कटिंग कर दी है। डबल कपड़े में मेरे पास इस तरीके से मैं दोनों तीरे की कटिंग कर लूँगी।